जैसो प्रधानमंत्री अति मंत्री क्या कहते हैं कि जैसो हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है। चिराग ने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं अभी हमारा अनुभव नहीं है, अभी हम तो नए नए आए हैं, तो हमको एक ओपनली ऑन द रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड हम कर रहे हैं और मतलब तो हमको हम तो क्या कहते हैं कि अभी हमारा हमको अनुभव प्राप्त करना है, अभी हम नहीं बनेंगे, अभी पापा को ही क्या कहते हैं कि जैसो रहने क्या कहते हैं कि दीजिएगा, है ना। इसलिए हमने कहा कि वो तो हम लोगों का अपना परिवार का मामला है, पार्टी का मामला है, तय कर। लोकसभा चुनाव में बिहार में बम्पर जीत हासिल करने वाली पार्टियों में से एक पार्टी है LJP, यानी रामविलास पासवान की पार्टी। रामविलास पासवान की पार्टी बिहार में 6 सीटों पर लड़ी और उसने 100% परिणाम देते हुए 6 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की। इसके बाद रामविलास पासवान मीडिया के सामने आए और उन्होंने दिल खोलकर बातचीत की। रामविलास पासवान ने इशारों ही इशारों में बताया है कि चिराग मंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री अति मंत्री क्या कहते हैं कि जैसो हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है। चिराग ने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं अभी हमारा अनुभव नहीं है, अभी हम तो नए नए आए हैं, तो हम एक ओपनली ऑन द रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड हम कर रहे हैं और मतलब तो हमको हम तो क्या कहते हैं कि अभी हमारा हमको अनुभव प्राप्त करना है, अभी हम नहीं बनेंगे, अभी पापा को ही क्या कहते हैं कि जैसो रहने क्या कहते हैं कि दीजिएगा, है ना। इसलिए हमने कहा कि वो तो हम लोगों का अपना परिवार का मामला है, पार्टी का मामला है, तय कर। वहीं रामविलास पासवान इस जीत से गदगद हैं और अपने विरोधियों पर जमकर बरस रहे हैं। उन्होंने मायावती से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक खूब निशाना साधा। चंद्रबाबू नायडू का हालत था बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आया तो अपने 2 सीट वहाँ के कहते हैं कि जो KCR क्या नाम है लड़का का, जगन है, जगन स्वीप कर गया है। आइए सब जगह मिठाई लेकर के जो है नौता फिरते रहते थे कि कोई नेता ही नहीं बचा, जहाँ दिन के दरवाजे पर जगह थे कि नहीं आए थे कुछ आदमी को नहीं, को मायावती है फूल करके कुप्पा हो गई थी कि अब तो हम बन ही गए प्रधानमंत्री, क्या कहते हैं कि बन गए हम न गए। तो ऐसे ऐसे लोगों को जो है सबक क्या कहते हैं कि मिला है और इसलिए जो है ये इलेक्शन कभी कभी आता है। जैसे जेपी का मूवमेंट जिस समय में हुआ था, इमरजेंसी के बाद चुनाव हुई थी, उसके बाद जैसे पिछला बार का चुनाव हुआ, फिर इस बार का चुनाव हुआ है जिसमें जात पात धर्म मजहब सबको तोड़ दिया है। इसलिए ये जितने जो है जात के नाम पर दुकान चलाने वाले थे, धर्म के नाम पर दुकान चलाने वाले थे, सबका दुकान बंद हो गया। बम्पर जीत से पासवान उत्साहित है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार वो खुद ना मंत्री बनकर अपने बेटे को मंत्री बनवा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।